टेस्ट करते हैं कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इसमें एक हमें होल्डर को इसमें ज्वाइन कर देते हैं। हेलो गाइज़, मैं हिमांशु, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो गाइज़, आप लोगों से कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें कोई लोग साल्ट वाटर यानी कि नमक के पानी से इस तरह के LED बल्ब जला के दिखाते हैं, वो भी सही है। और कुछ लोग ये बताते हैं कि साल्ट वाटर से ऐसा कोई बल्ब नहीं जलता है, वो भी सही है और मैं भी सही हूँ। तो आखिर ये मसला क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वास्तव में हमारा बल्ब जल पाएगा या फिर नहीं जल पाएगा। तो दोस्तों, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉपर यानी कि तांबे का और जिंक यानी कि जस्ते का, और इनसे सेल्स बनाएंगे। क्योंकि इन दोनों के बीच के जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है उसमें जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से एक वोल्टेज जनरेट होता है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे 9 सेल्स। दोस्तों, यहाँ पर रखे हुए 9 गिलास जिनको हमने एक सीरीज में रख लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें पानी डालते हैं। तो दोस्तों, हमने सारे गिलासों में पानी डाल लिया है। अब इसमें एक एक चम्मच नमक डालते हैं, उसमें घोल देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर नमक जो है वो घुल चुका है। तो अब हमारे पास यहाँ पर हैं 8 कुछ इस तरह के कॉपर की प्लेट्स और 8 जिंक की प्लेट्स। तो इनको इन वायर की मदद से फटाफट से जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, एक कॉपर की प्लेट को एक जिंक की प्लेट से कुछ इस तरह से जॉइंट कर लेना है, कुछ इस तरह से उसको पानी में डाल देना है। और हाँ दोस्तों, याद रहे कि एक गिलास में एक कॉपर और एक जिंक की प्लेट होनी चाहिए, सेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली गाइज, हमारी यहाँ पर जो बैटरी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। जो इसके दोनों एंड्स हैं इनमें कुछ वोल्ट का करंट होगा। और हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो हमारे दोनों ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे कॉपर और जिंक के आपस में टच नहीं होने चाहिए, अदरवाइज जो हमारा वोल्टेज है वो ड्रॉप करेगा। तो फाइनली गाइस, चलिए टेस्ट करते हैं कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इसमें एक हमें होल्डर को इसमें जॉइंट कर देते हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इसमें बल्ब लगाते हैं और देखते हैं कि जलता है फिर नहीं जलता है। तो हमने इसमें बल्ब लगा दिया है, बल्ब जल गया। हाँ, नहीं जला। ये क्या है भाई, जल नहीं रहा, वो टच भी नहीं कर रही है फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है। ये नहीं जलेगा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ यहाँ पर ये बल्ब नहीं जलने वाला। जैसा कि आपने यहाँ पर एक बार नोटिस की होगी कि जो मैंने यहाँ पर ये बल्ब यूज़ किया है, दरअसल ये AC बल्ब है, इस वजह से ये नहीं जल सकता। मैं क्या कोई भी कोशिश कितनी भी कर ले ये बल्ब नहीं जलने वाला, तो क्यों ना यहाँ पर DC बल्ब का यूज़ किया जाए। तो गाइज़, हमने यहाँ पर ले लिया एक इस तरह का DC बल्ब, जो कि आपको अगर मार्केट में ना मिले तो आप इस तरह के छोटे LED बल्ब्स को आपस में कनेक्ट कर कुछ इस तरह का बल्ब में लगा के बना सकते हैं। तो इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहले हम इसको जला के आपको दिखा देते हैं। तो देखिए गाइज़, ये जो बल्ब है ये यहाँ पर जल रहा है, ये कलरफुल बल्ब है। तो हम इसको ट्राई करते हैं, पॉजिटिव वाला नेगेटिव में लगाते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने जैसे ही इसको उसमें लगाया तो ये तुरंत से जलने लगा। तो हो ये रहा है कि जो हमारे ये 9 सेल्स हैं ये थोड़ा थोड़ा वोल्टेज क्रिएट कर रहे हैं, और सारे सेल्स मिलकर इतना वोल्टेज यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं कि ये हमारा बल्ब DC बल्ब को जला पा रहे हैं। तो गाइस, हमारे लिए तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो हमारे जो ये सेल्स हैं ये सारे ही मिलकर इतना वोल्टेज क्रिएट कर रहे हैं कि हमारा ये बल्ब जल पा रहा है। तो भाई, हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट की चीज़ है ये, और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए भी होगी। क्योंकि जो हमें यहाँ पे ना कि ये इसके अंदर की जो केमिकल एनर्जी है उसको हम हार्वेस्ट कर पा रहे हैं और उससे अपना बल्ब जला पा रहे हैं। और हाँ गाइज, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे हमारा फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। एक अपनी USB केबल उसको काट कर यहाँ पर लगा लीजिएगा इसमें दोनों टर्मिनल में, और आपका मोबाइल से फ़ोन चार्ज हो जाएगा। तो गाइज, मैं आप लोगों को एक बार और दिखा देता हूँ यहाँ पर कि मैं जैसे इसका ये वायर यहाँ से हटाता हूँ तो ये जो है बल्ब जलना बंद हो जाता है, और मैं जैसे इसको यहाँ पर लगाता हूँ तो ये बल्ब जो है जलने लगता है। देखिए, यहाँ पे कोई झोल नहीं है, ये जो यहाँ पे सेल्स हैं इन्हीं की मदद से जल रहा है। तो गाइज, हमें नहीं पता कि ये कितनी देर तक जलेगा, लेकिन ये जल डेफिनेटली रहा है। तो गाइज, वीडियो में मज़ा आया हो, कुछ इंटरेस्टिंग सा सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।